आइए हम पहुंचे हैं अमेठी में और अमेठी की जनता का क्या है मूड इस बार का। एक कुल्फी वाले मिले हैं यहाँ पे, दो एक लोग खड़े भी हैं, आइए इन्हीं से बात करें और जानें कि अमेठी में जनता का क्या मूड है और क्या माहौल है। चुनाव में अमेठी की जनता का क्या मूड है इस बार का? भैया बीजेपी। आए बीजेपी। बीजेपी कैसा चल रहा है आपका दुकान उकान? ठीक चल रहा है। मूड क्या है हो अमेठी इस बार का, गर्म है या ठंडा है आपके कुल्फी जैसा? गर्म। ठंडा है या गर्म है? गर्म है। हाँ, किसके पक्ष में? बीजेपी। बीजेपी सीधे सीधे। हाँ भैया। हाँ कैसा कार्य, ऐसा क्या किया है यहाँ पे बीजेपी? इस समय दुकानदारी का समय है, थोड़ा अच्छा बात है। बिल्कुल। क्या माहौल है अमेठी में इस बार के? 50-50 है। मगर उनको देखा जाता है, स्मृति ईरानी जी को, वो एकदम लगातार बयान पे बयान दिए जाती है कि हमें चुनाव जीत रहे हैं, कोई टक्कर में नहीं है। कितना दावा उनका? वो तो जब इलेक्शन डेट 20 मई को पता चलेगा क्या है। उनका कार्यकाल कैसा रहा? ठीक ठाक रहा, एवरेज में रहा। एवरेज में रहा। बाकी और भी लोग हैं, इनसे भी बातें करें और जाना जाए कि इस बार का माहौल क्या है अमेठी में, जनता क्या सोचती है अमेठी के, इस बार का अमेठी में क्या माहौल है? बढ़िया है भैया। किसके पक्ष में है जनता इस बार? रानी के पक्ष में रहेगा। रहेगा उनके पक्ष में, एकदम गारंटी भाई। हाँ, क्या लग रहा है आपको, राहुल गांधी यहाँ से चले गए, डर के चले गए या और कुछ? जनता उनको चाह ही नहीं रही, वो जान रहे हैं, तभी चले गए। स्मृति ईरानी ने सब 5 साल में क्या किया जो जनता बड़ा? आना जाना बराबर है भैया। अच्छा। हाँ, सबसे बड़ी चीज तो आना जाना बराबर, सबके दुख सुख में पहुँचते भी हैं। हाँ, उनका काम कैसा रहा उनका? अब ठीक है, जो कुछ भी है। हाँ, अच्छा है। ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वो जो बात चर्चा की जाती है कि कांग्रेस का गढ़ है राय, बरेली की बात कर ले जाए, अमेठी की बात कर ले जाए, ये दावा कितना? राजीव गांधी के जमाने में था। अच्छा, राजीव गांधी के जमाने में था, अब वो क्रेज नहीं है? नहीं, वो नहीं। राहुल गांधी यहाँ से रायबरेली चले गए हैं, क्या लग रहा है वहाँ पे कुछ कर पाएंगे कि? देखो क्या होता है अब। नेता नगरी कब क्या? नेता नगरी। 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा? ठीक रहा भैया। आपके क्षेत्र में विकास विकास का क्या रहा? काफी है विकास, काफी है भाई। जैसे कोई ऐसा काम जो अमेठी में लगा होगा? हर एक चीज तो डिजिटल हो गया उनके दौर में, ये चीज देखा हमने। हाँ, वो जो डिजिटल हो गया। हाँ, भाई राशन में फायदा, नहीं तो गड़बड़ होता था, झोल हो जाता और क्या। मगर ये चीज लोग, विपक्ष ये भी कह रहा है, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि मैं ये राशन जो फ्री में दे रहे हैं ये सही नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है? ठीक है, लेकिन गड़बड़ नहीं है भाई, राशन भी मिल रहा है, अच्छा है, तेल बंद कर दिया, राशन मिल रहा है। महंगाई बेरोजगारी का क्या? फ्री है। महंगाई बेरोजगारी का क्या? अब महंगाई बेरोजगारी तो कोई नहीं रोक सकता भाई, जनसंख्या बढ़ रही है, इसको कोई नहीं रोक सकता। मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार का, जनता क्या किस पे वोट करेगी? अब देखो वही स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी रहेगी 100%, ये मान के चलिए कि भाजपा ही रहेगी। आइए एक दादी बैठी हुई है, इनसे भी बातें करें और जाने कि इस बार अमेठी क्या सोच रहा है, महिला क्या सोच रही है अमेठी में। हाँ अच्छा, चलिए वो ठीक है। ये बताइए मोदी जी का जो सरकार है वो कैसा चल रहा है भाई? ये कहाँ बताइए, मैं जो नाटे महंगी इतना लगा दे, यहाँ महंगाई के है यहाँ, आओ जे का जो पैसे मिले चाहिए वो ना मिल पावता है। परेशानी बहुत है यहाँ, परेशानी बहुत यहाँ है, हर चीज ही से यहाँ का बताओ ये बताइए। वो तो कहते हैं कि महिलाएं हैं जो बहुत सुरक्षित हैं और बहुत सुरक्षित रहती हैं, बहुत खुश रहती हैं। महंगाई बहुत तगड़ी है, महंगाई बहुत तगड़ी। जी जी, ये भगवा लगा ये मतलब। हाँ मैं, वो तो सही है, भगवा तो है, भाजपा को वोट दूंगा। हाँ। ऐसा नहीं, मोदी अच्छे हैं। अच्छा। लेकिन जो हिंदुत्व के नाम पर और उसके जो है मतलब ये कि शांति का जीवन व्यतीत हुआ, ये चीज तो रही। हाँ। लेकिन महंगाई बहुत विकराल है, महंगाई बहुत विकराल। जी और सब ठीक है लेकिन महंगाई बहुत विकराल, बेरोजगारी को
बेरोजगारी तो है ही है, वो का तो शायद सरकार दूर करत करत बहुत समय लगाए। वो सांसद जो है यहाँ से ठीक है, गड़बड़ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई काम की है यहाँ पे, अमेठी में बाईपास बन रहा है, जाम से समस्या हुई और तमाम काम है, अब वो करेंगे क्या। उनके सामने जो कांग्रेस से प्रत्याशी लड़ रहे हैं बहुत अच्छे नहीं, उनका उससे पहले चुनाव उनाव लड़े हैं वो नहीं, यहाँ तो उनके साथ थे सोनिया गांधी के पीए थे तो उसका कुछ असर रहेगा यहाँ पे, कुछ तो रहेगा ये कांग्रेस, लेकिन ये कि हमारे हिसाब से तो बहुत नहीं रहेगा। राहुल गांधी यहाँ से चले गए, यही तो क्या लगता है? अच्छा, यही सबसे बड़ी गड़बड़ी की जड़ है कांग्रेस में, क्यों चले गए? जनता क्या सोच रही है? जनता सोच रही है कि जो है जनता की जो सोच है वो तो सोच है, मेरी अपनी सोच है कि वो डर गए डर के मारे अमेठी छोड़ दी। अच्छा, रायबरेली गए हैं, क्या लग रहा है वहाँ? वहाँ भी हमें अच्छी पोजीशन तो नहीं लग रही है। अच्छा, पोजीशन नहीं लग रही है। बिल्कुल नहीं लग रही है। रायबरेली में वो लड़ रहे हैं बीजेपी से, दिनेश प्रताप सिंह जी। हाँ, वो अच्छे हैं। हाँ, अभी बैसवारा लाल गंज से हम रिपोर्ट देख रहे थे। क्या वजह है कि दिनेश प्रताप सिंह, वो कभी देखा होगा गया है उनको, आपने देखा होगा? नहीं, हमने नहीं देखा है। उनके बारे में सुना है? उनके बारे में सुना है। अच्छा, क्या सुना है उनके बारे में? उनके बारे में ठाकुर लाभी उनके साथ है, बैसवारा वगैरह के हैं, बता, यही हमने सुना है। कोई खास बात? अच्छा, ये जो कहा जाता है इनके, स्मृति ईरानी के भाजपा में एक कमी ये भी है कि इनके अधिकारी बहुत मनमानी है, अधिकारी नहीं सुनते। बिना पैसे का कोई काम नहीं। गमछा लगा कर जाते हैं तभी नहीं सुनते हैं। गमछा से क्या नहीं है आपकी, हम मोदी जी को वोट देते हैं और ऐसे बताने तो उनके ऊपर असर पड़ेगा? नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ा है और न पड़ेगा। आप ये भी नहीं कहते कि हम तो बीजेपी को वोट करते हैं, हमारा कुछ थोड़ा सा सत्ता से एकदम जो है दूर है। चाउर दाल खरीदे तो बाबा का भाव चढ़ गया, तो राशन कितना फ्री? आलू 25 रुपए किलो, और को तो सरकार राशन उसन दे रही है अम्मा? देता, हम शायद पौवे नहीं करे, नहीं पाते ना हम सब मध्यम वर्ग के लोग हैं, हमें क्यों मिलेगा? हम तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है। क्या मुद्दा है आप लोग इस बार, युवा क्या सोच रहे? तो ठीक है, क्राइम रेट यूपी में कम हुआ है, सारी चीजें अच्छी है, ठीक है, अधिकारी नहीं सुनते हैं। थोड़ा सा दिक्कत इस चीज़ का है कि अभी इनके सरकार में अधिकारी नहीं सुनते हैं, मिडिल मध्यम वर्ग के नहीं सुनते हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचता है? राहुल गांधी कहने को तो अमेठी को अपना परिवार कहते हैं, लेकिन 5 साल में एक भी बार अपने परिवार से मिलने नहीं आए, अपनी जगह छोड़ दी। तो भाई कौन सा है ऐसा मुखिया जो अपने परिवार से 5-5 साल तक दूर रहता है? रायबरेली चले गए हैं वो, रायबरेली में क्या लग रहा है आपको? कटा हुआ है रायबरेली में, हमें रायबरेली के बारे में बिल्कुल जान, रायबरेली के बारे में। तो ये अमेठी की जनता थी और अमेठी के लोग थे। आइए, एक भाई साहब और हैं, उधर चले गए मोड़ लिए, आइए हम चलते चलते बतियाएंगे और चलते चलते जानेंगे कि क्या है। कुल्फी कैसे है? हाँ, खिलाइए फिर, दो खिलाइए। अब तो अब थोड़ा फ्री है, दुकान पे कोई वो दिक्कत क्या है? मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार के चुनाव में? देखिए भैया, हम लोग बीजेपी को देंगे, कॉलोनी वगैरह मिली है हमको, कॉलोनी वगैरह मिली है, कॉलोनी वालोनी मिली है, दुकानदार आदमी हम ज़्यादा इधर उधर में रहते नहीं हैं, अपना सुबह उठे अपनी दुकान अपना कामों में रहते हैं, अपने काम में रहते हैं हम बहुत ज़्यादा इधर। जो पिछली यहाँ के सांसद थे जो स्मृति ईरानी है, हाँ, तो बेहतर कौन है? बेहतर कौन है? स्मृति ईरानी ही रहे, बेहतर है ये, थोड़ा दूसरा नोट दे दीजिए, क्या ना भीगा हुआ है तो दिक्कत हो जाए, पानी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अमेठी में थे हम लोग और आप लोगों को अमेठी से दिखा रहे थे, और ये देखिए साथ साथ में अमेठी की कुल्फी जो है वो बहुत फेमस है, और हम लोग चले आए हैं, 2-3 लोग और हैं। क्या हम लोग थोड़ा बात कर सकते हैं आप लोगों से चुनावी मुद्दे पे? नहीं कर सकते हैं? अरे देखिए, जो देहाती फ्रीजर है चिलम, गांजा चिलम, ये देखिए चिलम, चिलम का जिक्र हमारे राजनीति में बहुत होता है, आप लोग देखे होंगे, और हमारे दादा नाना भी बड़ा यूज करते थे चिलम। और ये देहाती फ्रीजर है यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ये देखिए बाजारों में पूरी तरह से सजे। आइए है ना, हम चाची से बतिया भी लेते हैं थोड़ा। चाची, बात कर लें क्या आपसे?
थोड़ा सा बतियाना था, हम लोग चुनावी का सर्वे कर रहे थे, ये जानना था कि यहाँ पे वोट किसको डाला जाएगा। कौन भारी दिख रहा है पल रहा, कमल का फूल है, हाथ का पंजा। यहाँ गरीबी का तो कोई, गरीब को कोई सुनवाई नहीं है, गरीब का कोई सुनवाई नहीं, नहीं। है यहाँ मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मोदी जी कहते हैं हाँ, ठीक है, लेकिन क्या है कि जो किसी को तीन तीन कॉलोनी मिली है और किसी को एक भी नहीं मिला कॉलोनी, ये क्या है? किसी के तीन बच्चे हैं, अलग नहीं किए गए हैं, लेकिन उनको तीन तीन कॉलोनी मिली है। हम लोग के यहाँ देखिए पूरा टीन टप्पर छाया हुआ, तीन साल हो गए हमको वो भराए, 2020 में हमने भराया था, लेकिन आज तक कॉलोनी नहीं आई। तो इस बार माहौल किसका है, हाथ कमल का है कि हाथ के पंजे का? अभी नहीं बता सकते हैं, जिसको चाहेंगे उसी को देंगे, अभी नहीं बता सकते। दादाजी क्या माहौल है बाजार में, बाजार का क्या माहौल है? माहौल सब ठीक है, अभी कोई पता नहीं, तो कोई पता नहीं है कि भाजपा जी जीत सकता है, भाजपा की सरकार है, भाजपा जीत सकता है, सरकार है इसलिए जीत सकती है, जीतने में माहौल जीत भी सकती है, मुश्किल भी है, मुश्किल भी है। हाँ। राहुल गांधी चले गए, क्या लग रहा है, डर के मारे चले? नहीं नहीं, वो कुछ काम नहीं किए हैं राहुल गांधी, काम नहीं, सत्ता धाम में चमके लोग खा लेते थे, जो मोदी लाए हैं वो राहुल नहीं किए हैं, और जो राहुल किए हैं मोदी नहीं किए हैं। राहुल क्या किए हैं ऐसा जो मोदी जी नहीं किए? इंदिरा जी जो उनकी माँ थी, जो आज लोग झूठ बोल रहे हैं, ये बिजली उन्हीं की देन है, वो कहाँ से नक्शा खींच के लाई है वो पता है, हमको नहीं पता, लेकिन जो हमसे बड़े बुजुर्ग हैं उनको पता है, तो उन्हीं से पता, हमको जानकारी हुई नहीं कहाँ से वो लाई है, कहाँ से नक्शा खींच के लाई है। और मोदी जी तो राम मंदिर ले आए, राम मंदिर लाए, खुश है ना आप? दर्शन करने गई थी कि नहीं? नहीं नहीं गई थी। केकर किसकी लहर है यहाँ पे? लहर तो मोदी की है, मोदी जी की लहर है, है ना? सरकार तो मोदी सरकार बनेगी, केंद्र सरकार तो मोदी सरकार की बनेगी, बढ़िया चल रही है ना? हाँ, आपकी दुकानदारी सरकार बनेगी, आपकी दुकानदारी यहाँ से संसद जो है, दुकानदारी बड़े महंगाई है, ठीक है, हमें ठीक ही जिला का असर हो रहा है, जिला का काम शर्मा, हाँ हाँ जी, स्मृति ईरानी जीतेंगे, स्मृति ईरानी जीतेंगे, जीतेंगे, हाँ।